तो दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बड़े आसानी से। तो मैंने ले लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, और ले लिया कढ़ाई में तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर हमारा फ्राई हो गया है और इसे हम अब बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में। और जो कढ़ाई में तेल बच गया है अब वही हम यूज़ करेंगे। इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच जीरा, एक प्याज जिसे मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था। अब इसको हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है और लहसुन को मैंने कूट लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। और अब डाल रहे हैं हम धनिया पाउडर, देगी मिर्च और हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब 2 टमाटर की मैंने इस तरह से प्यूरी बना ली थी और इसे भी इसके बीच में हम डाल लेंगे। और अब डाल रहे हैं नमक, और टमाटर जो पक चुके हैं अब डाल रही हूँ मैं फ्रेश मलाई, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब तक इससे तेल ना निकले तब तक इसे पका लेंगे। जो जिस कटोरी में हमने मलाई ली थी उसी कटोरी में मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया है, और जितनी आपको ग्रेवी पतली या गाढ़ी चाहिए अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखिए बॉईल हो रही है, अब डाल देंगे इसमें हम पनीर के पीस जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसे ढक्कन लगा के 5-6 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 हरी मिर्च काट के, और डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इससे टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आता है।